हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे TCI एक्सप्रेस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे, और इसके एनालिसिस में इसलिए हम करने वाले हैं क्योंकि आज के दिन अभी ये अप्रॉक्स 6% का हम लोगों को तेजी दिखा रहा है, और ये और कितना यहाँ से ऊपर की रॉकेट की तरह जाएगा, या फिर ऊपर से कहीं से नीचे चला आएगा, या फिर हम लोगों को अगर एंट्री लेना चाहिए तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और स्टॉप लॉस अपना कहाँ पर लगाना चाहिए ताकि हमारा मिनिमम SL हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है, आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, बिकॉज देख रहे हैं तो ये ऊपर से ये यहाँ पे 1900 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक ब्रेकडाउन लेवल हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, उसको भी इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है ब्रेक करने का, राइट। एंड उसके बाद और नीचे आया है और 1500 के आसपास से इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे एक रेंज बना दिया है अराउंड यहाँ पे 400 रुपीज़ का, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक रेंज बन रखा है। तो अगर ये 1900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोगों के लिए टारगेट कितना होगा दोस्तों? तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो तो 2300 के आसपास होना चाहिए, लेकिन जो रेजिस्टेंस दिख रहा है उसके पहले ही नज़र आ रहा है हम लोगों को, यहाँ पे 2200 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, हमारा SL क्या होता है, लास्ट स्विंग होता है। अगर हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग है तो हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है लगभग लगभग 1:2 से तो ज़्यादा ही मिलता है, 1:3, 1:4 का हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा यहाँ पे अगर पोजीशन बनाएंगे तो, ठीक है। सेकंड केस, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे ट्रेंड लाइन आएगी, ठीक है। आप बोलेंगे यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया है क्योंकि ये पहले तो ये डिविडेंड देती रहती है, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए डिविडेंड यहाँ पे दे रही है लगातार। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ तो हमें पता चलेगा कि ये पहले गिरने के पहले इसी को, मतलब ये जो यहाँ पे लाइन है इसी को बार बार जाके रिटेस्ट कर रहा था, और अभी जब ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था तभी भी इसी को ये यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन क्या हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गई है, और यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप का पैटर्न है। तो यहाँ पे नीचे गिरने के बाद एक चैनल में आ गया, और चैनल से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे बायर्स इसमें पोजिशन बनाएंगे, तो टारगेट क्या होना चाहिए बायर्स के लिए? अगर आप ही इमेजिन करिए, अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं SL, अगर लास्ट स्विंग का लगाते हैं यहाँ पे तो अराउंड 125 रुपीज़ का SL होता है, तो आपका टारगेट कितना होगा? यहाँ से 250 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 250 का टारगेट लेते हैं तो यहाँ से 1900 से भी अगर हम लोग देखेंगे तो 2150 तक का हमारे पास टारगेट जाएगा, ठीक है। 2150 तक का हम लोगों का टारगेट जाएगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों ने पहले ही पोजीशन बना रखा हो, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल था, जब ये नीचे गिर के यहाँ से ये लेवल 1700 का क्रॉस कर रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने पोजीशन बनाया होगा और इस पॉइंट पे भी अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे, और वो लोग एग्जिट कब कर सकते हैं, 2000 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। क्यों? 2000 एक राउंड लेवल है, राइट, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, तो हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे मतलब जिन लोगों ने पहले से बुक बाई करके रखा है प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। और यहाँ पे अगर बायर्स इस लेवल को होल्ड करेंगे, अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, तो हमें क्या लगेगा, ये और ऊपर जाएगा और हम लोग अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ब्रेकआउट अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे पूरा जो चार्ट पैटर्न है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसको प्ले करने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी इसमें टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, मैं तुरंत जाके पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, इंपॉर्टेंट तो ये अच्छा दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम 4-5 बार ये ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल रहा है, और नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार इसने कोशिश किया, और ऊपर ये 5th टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो लग रहा है ये ऊपर ब्रेकआउट दे के निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समय से लगभग फरवरी मंथ से यहाँ पे इसके अंदर फंसा हुआ है। और सेकेंड, और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, थोड़ा सा चार्ट जूम आउट कर दूंगा आपके लिए, इसका जो पिछली बार का जो ये रैली था, ठीक है, ये जब ब्रेकआउट हुआ है तो किस तरीके से ऊपर भागा है देखिए, और ये यहाँ से यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा रैली होता है, अगर 1000 से कोई शेयर 2600 निकल जाता है मतलब बहुत बड़ी रैली होती है, समझ रहे हैं ना, कंपनी का वैल्यूएशन कितना बढ़ गया होगा इस स्टॉक प्राइस से ऊपर जाने जाने से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टॉक तो ऊपर चला गया है, ठीक है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा और ऊपर जाने में, ये टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये जो यहाँ पे स्टॉक्स जिन लोगों ने बाई किया है सब लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्लस कंपनी के जो भी ये चीज़ें हैं ये सब एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन तो बढ़ गया लेकिन हो सकता है कंपनी का मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उतना ना हो, तो वो सब एडजस्ट होने में ये टाइम लगता है, और इसीलिए ये शेयर नीचे आता है और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ये फिर से ऊपर निकलता है। तो हम लोगों के लिए क्या है, टेक्निकली मैं जहाँ तक है सिर्फ टेक्निकली देखता हूँ, टेक्निकली मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ब्रेकआउट में मैं जाके पार्टिसिपेट करूंगा और इसे पैसे बनाऊंगा,
तो पैसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसे निकाल के रख लेना है। अब देखिए अब क्या हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने रैली स्टार्ट किया है 1725 से, ठीक है, 1725 से इसने रैली स्टार्ट की और यहाँ पे 1850 तक गया है। तो अराउंड 125 रुपीज का इसने आज के दिन हम लोगों को रैली दिखा दिया। अब ये सारे के सारे ग्रीन कैंडल हैं, ठीक है। अभी ये पहला यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रहा है और वो भी ब्रेकआउट के लेवल पे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करना है किसी भी शेयर को तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये वही कर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। जिन लोगों ने आज बाई किया होगा, हो सकता है इंट्राडे के लिए, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। और यहाँ पे भी हो सकता है जिन लोगों ने बाई किया होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट दिया था उसका तो 1:2 यहीं पे है, ठीक है, 1850 के आसपास है, तो वो लोग यहाँ पे बाई करेंगे। और मैंने भी यहाँ बाई किया होता, हो सकता था मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता, ठीक है, और जब ये नीचे से फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता तो और मैं क्वांटिटी बाई करता, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा ये चीप मिलता है। मुझे पता है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है तो थोड़ा सा ये नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिनारियो अलग है। अगर ये जो रेस्ट किया है इतना, ये अगर यहाँ पे रेस्ट किया होता तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता, फिर मैं इस लेवल पे और क्वांटिटी ऐड करता, क्योंकि यहाँ पे फिर ब्रेकआउट देके जाने के ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो होता है ये इस लेवल के आसपास होता, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन, अगर यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल मान लेते हैं बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन 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 इस टाइप का ग्रीन कैंडल बन गया और यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनता है, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसका लो हाई ब्रेक कर देता है, सॉरी लो ब्रेक कर देता है, तो थोड़ा सा हम लोग को इसमें फॉल देखने को मिल सकता है। फॉल कहाँ तक देखने को मिलेगा, तो ब्रेकआउट जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1800 का राउंड लेवल है, ठीक है, ये पहला लेवल हो गया। एंड सेकेंड लेवल जो हो गया, अल्टीमेटम लेवल जो हो गया, वो 1770 से लेके 1770 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1800 से लेके 1800 या फिर 75 के आसपास अगर हम लोग को कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हो सकता है तो ब्रेकआउट हो जाने दीजिएगा 1850 का, तब बाई करिएगा 1850, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होगा, ये यहाँ पे जो 50+25 75 का एसएल हो जाएगा, और हमारे पास टारगेट तो है ही है, ऊपर 250 का टारगेट है, लेकिन अगर हमें 150 भी मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, 80% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, बाकी का रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग करना, एक बार फिर से देखें कि ये नीचे गिरेगा तो हो सकता है 1775 या फिर 1800 के आसपास आने की कोशिश करेगा, और इनके पास आने के बाद फिर से अगर कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो अगर ब्रेकआउट हो जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको इनिशियली यहाँ पे अगर कोई कोई पोजिशन बनाइएगा तो स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बाई किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ये यहाँ पे नीचे आने लगा और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, तो आप इसको होल्ड करके रख ले जाएंगे और बोलेंगे कि मैं यहाँ एसएल लगा दूंगा, फिर ये जब यहाँ आएगा तो आप एसएल नहीं लगाएंगे और इसको होल्ड करके लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का एसएल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर एसएल लगाया है तो ही हम लोग ऊपर प्रॉफिट यहाँ पे बना पाएंगे, क्योंकि एसएल के हिसाब से ही हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो हम बुक करते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, अगर आपको भी दिख रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्टिंग मी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कभी कभी ये सारे शेयर्स फाइंड आउट करने में, अच्छी बात है शेयर्स हम लोग को एट लास्ट मिल जाते हैं। तो देखेंगे ये कैसे लास्ट लास्ट में, अगर अगर लास्ट में इसकी क्लोजिंग 1850 के आसपास अगर होती है, ठीक है, अगर लास्ट में इसकी क्लोजिंग 1850 के आसपास होती है तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे इसको बाई करके लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर आज परसेंट की रैली किया है तो हो सकता है कल के दिन होल्ड कर दे, थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन ये फाइनली फिर ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये रैली जो है ये कैंडल्स का लेंथ बता रहा है, यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स हैं। वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।